गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 9 तक सम कंप्लीट करा दिए थे। आज हम आगे करते हैं 10th सम। 10th सम है आपका, अ मैन बोरो रुपीज 24,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड एट 2% पर मंथ। फाइंड द इंटरेस्ट पेड एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर मीन्स वन ईयर। वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। तो मंथ्स के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अमाउंट दी है 24,000, रेट दिया है 2% पर मंथ, टाइम दिए है 12 मंथ्स अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल, मल्टीप्लाई कीजिए 12 8 96 12 4 48 48 9 57। यह आ गया आपका इंटरेस्ट। बी में ये पूछता है द टोटल अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ द ईयर। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, इंटरेस्ट जो आपका निकल के आए दोनों को प्लस कर दो, आपकी अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट है गुंजन इन्वेस्टेड रुपीज 25,000 इन अ फाइनेंस कंपनी। गुंजन ने कितना इन्वेस्ट किया है? 25,000। आफ्टर वन ईयर शी गेट्स एट 15% पर एनम। ये क्या लेती है? 15% इंटरेस्ट लेती है। शी रीडिपॉजिट द इंटरेस्ट ऑल्सो। इसका मतलब है जब जो इन्वेस्ट किया था उसने, उसके बाद उसको इंटरेस्ट मिला। चलिए पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। 25,000 रेट है इसकी 15%, टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। क्लियर? 20 से 20 कैंसिल, 15 0 0 15 5 75 37। ये इंटरेस्ट आ गया था 25,000। इसके पास अमाउंट बोल रही थी, ये आपकी आ गई अमाउंट। ठीक है, अब ये आगे कहता है कंपनी डिक्लेयर द इंटरेस्ट 18%। उसने क्या करा, जो आपकी अमाउंट आई थी उसको रीडिपॉजिट कर दिया, मींस दोबारा से वही इन्वेस्ट कर दिया। अब कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया आपका इंटरेस्ट 18%। आपके पास अमाउंट थी ये, तो सेकंड ईयर का आपका प्रिंसिपल क्या बन गया? 28,750। टाइमिंग आपके पास 1 ईयर है और रेट बढ़ाकर 18% कर दी गई है। तो इनको आप कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, सुरेश बोरो अ सम ऑफ रुपीज 14,000 एट 12% पर एनम। इसमें आपको टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसने कब बोरो किया था? 15 जुलाई 1999 को। ठीक है, उसके बाद ही पेड द बोरो मनी एंड इंटरेस्ट ऑन 26 सितंबर। तो आपको टाइम काउंट करना है 15 जुलाई से, कब रिटर्न किया है उसने? 26 सितंबर, मीन्स 25 सितंबर तक का। जब आप टाइम कैलकुलेट कर लेंगे तो डेज में आएगा। चलिए करते हैं, 15 जुलाई को लिया था तो कितने डेज हो गए? 15 से काउंट करिए 31 तक, 17। ये 17 हो गया। अगस्त में कितने होते हैं? इतना 25, ये ऐड कर लीजिए, 5 + 6 = 7 = 8 = 13 का 3 कैरी हो गया 1 2 और 3, 5 और 2 7। 73 डेज आए, 73 डेज अपॉन 365 ईयर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आपके पास प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, आपका इंटरेस्ट निकल जाएगा। इंटरेस्ट के बाद उसको प्रिंसिपल में ऐड करके अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। यहां ये एक्सरसाइज और आपकी यूनिट दोनों ही कंप्लीट होते हैं। उसके बाद है ये रिवीजन एक्सरसाइज, जो आपको ये खुद से करनी है। ठीक है, ओके, डू मोर प्रैक्टिस। थैंक यू।